If you're leaving, baby, let me down slowly. ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में दोबारा से आज हम एक ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील एडिटिंग करने वाले हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखी होगी वीडियो, एक इस टाइप की वीडियो जो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, तो गाइस मैंने सोचा क्यों आप सभी के लिए इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो ये जो वीडियो है गाइस, इसमें आप सभी को मतलब बहुत सिंपल एडिटिंग है, ठीक है, सब कुछ मैंने आपके लिए पहले ही क्रिएट करके रख रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद। बस आप लोगों को एक वीडियो शूट करनी है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि आपको किस टाइप की वीडियो शूट करनी है। एंड हालांकि आप लोग वीडियो को देख के समझ भी गए होंगे कि आपको किस टाइप की वीडियो शूट करनी है, एंड समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मैं आगे बता ही दूंगा। तो बाकी बस मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तुमने अपने भाई को, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। तो बाकी चलेगा आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है यहाँ पे गाइस, आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना है, और अगर आप चाहो तो गाइस कैपकट ऐप में भी इसको एडिट कर सकते हो, सेम प्रोसेस है दोनों ऐप का, ठीक है, तो इतना कुछ मतलब ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे हम VN एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो न्यू प्रोजेक्ट में जाके हम पहले जो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है गाइस एक वीडियो को ऐड करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, आप सभी को उस लिंक को दे रखा है मैंने वहाँ पे, आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो पहले हम इस वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर मतलब कि दो तीन वीडियो दी गई मैंने, ठीक है, आपको तीनों कट में से जो आपको बेस्ट लगे आप डाउनलोड कर लेना, बाकी जो आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको आप यहाँ पे रेस कर दे मतलब कट कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे यहाँ से जो है हमें यहाँ का जो आगे का एरिया उसको हम कट कर देंगे, एंड जो ये लास्ट वाला है वाटर मार्क इसको भी हम कट कर देंगे। देन हम जाएंगे मीडिया में, मीडिया में जाने के बाद यहाँ से जो है हम अपनी लास्ट वाली वीडियो ऐड करेंगे, ठीक है, जो मतलब कि आपको इस टाइप से शूट करना है, यानी कि मतलब आप अपने कुछ भी चीज़ हो जो आप ऊपर की साइड रख रहे हो, या कोई कपड़ा मतलब आप किसी मतलब रस्से के ऊपर टांग रहे हो, ऐसा कुछ भी वीडियो आपको शूट कर लेना है, ठीक है, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है। सो यहाँ से जो है मतलब कि वाटर मार्क इसमें रह गया, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो बाकी हम इसको चला के देखते हैं एक बारी। सो उससे पहले हम यहाँ पे एक म्यूज़िक ऐड करेंगे, तो म्यूज़िक वाले सेक्शन में जाएंगे, एंड यहाँ से हम प्लस आई क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा फ्रॉम फाइल करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ से जो है वीडियो है जो आपको मैंने दिए हैं उसको आपको डाउनलोड कर लेना, उसी का म्यूज़िक आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है, उसी वीडियो का। सो यहाँ से आप प्रोसेसिंग लेगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना, आपको म्यूज़िक वो फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा चला के चेक करना है कि इसका जो है मतलब कि सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, अगर कहीं होता है तो वहाँ से आप थोड़ा सा कट कर लेना, बाकी यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पे अभी जो है मैं इसका म्यूज़िक ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, दोनों का, क्योंकि हमने जो म्यूज़िक ऐड किया है ना, तो मतलब अगर हम दोनों रखेंगे तो ऊपर नीचे म्यूज़िक हो जाएगा अलग अलग, मतलब कि अलग ही म्यूज़िक लगेगा फिर, है ना। तो अभी जो है मतलब हमें जो यहाँ पे एक काम और करना है इसमें, ठीक है, जैसे कि मतलब ये हुआ, ठीक है, ये दो, फिर उसका जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आगे का जो एरिया है वो ब्लैक एंड वाइट करना हमें, ठीक है, जैसे कि इसमें मतलब ये पहले से कर रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका हमें पहले एक इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, एफएक्स में जाएंगे, एंड उसके बाद जो हमें जूम वाला इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, आपको भी यही वाला डालना है, जूम वाला इफेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम चला के देखते हैं इसको, एंड अमेजिंग काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हमें आगे की वीडियो जो है हमें ब्लैक एंड वाइट भी करनी है, तो आपको कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जो है आपको अपनी वीडियो की तरफ जाना है पहले, तो ठीक है, तो मतलब यहाँ से पहले मैं कट करता हूँ, एंड यहाँ से आपको जो वीडियो जहाँ से आपको एरिया आपको ब्लैक एंड वाइट करना है आपको वहाँ तक आपको जो वीडियो को लेना है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे मतलब पहले से कर रखा है बट मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम ऐसे ट्रिम करेंगे वीडियो को, एंड वीडियो पर सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पर जाएंगे, फिल्टर पर जाने के बाद जो हम यहाँ से ब्लैक एंड वाइट जो है हमें सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे फिल्टर पर जाओगे आपको थोड़ा सा आगे करना है, ठीक है, जैसे आप थोड़ा आगे करोगे आप कहाँ पे मतलब ब्लैक एंड वाइट मिल जाएगा, जैसे कि ये रहा F31, ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं, एंड यहाँ से हम क्लिक करते हैं, एंड देखिए यहाँ पे जो है मतलब ये पीछे वाली वीडियो में लग गया फिल्टर, सॉरी गाइस, ठीक है, तो हमें आगे वाली में चाहिए था। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको पहले हम अनडू कर देंगे, स्टार्टिंग में जाएंगे यहाँ पे ओरिजिनल वाला जो था हमारा उसको रख देते हैं, एंड परफेक्ट है, हम यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं अपनी दूसरी वाली लेयर जिस पर हमें चाहिए, अब हम फिल्टर में जाएंगे, एंड यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट को ले लेंगे, परफेक्ट है यहाँ पे। तो अब इसको हम चला के देखते हैं, एंड ये गाइस हमारा फाइनल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एंड ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी चले मैं मिलता हूँ उसमें किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।